भाई साहब ये पहुंच गए हम के मन्नो हैंगिंग ब्रिज किधर हैंगिंग ब्रिज के मन्नो हैंगिंग ब्रिज भाई सेंट लॉरेंस चर्च अंदर कुछ भी फंक्शन चल रहा है 100%। आज हमें सनसेट देखने के लिए तो नहीं मिला बट भाई साहब उससे जबरदस्त चीजें देखने मिली। मतलब ये तो पीछे साइड में देख रहे हो ना, ये सामने की तरफ, मतलब ये जितने भी बोटे हैं ना अंदर समंदर के अंदर गई थी और अभी समंदर से वापस रिटर्न आ रही है। और ये जो वे देख रहे हो ना आप, इस वे से हम लोग गए थे एक प्राइवेट आइसलैंड के ऊपर। हेलो नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अजीत, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू माय व्लॉग। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ गाइस आप सब लोग ठीक होंगे। आज है कर्नाटका सीरीज का 7वां दिन, क्या डेली कंटिन्यूसली हम लोग जब से यहाँ पर आए ना तब से कार राइड ही चल रही है, पीछे बैठो आगे बैठो। बट एक मेन बात तो ये है कि आप अगर उडुपी साइड आए हो ना तो बाइक लेकर घूमने का मजा ही कुछ और है। मतलब भाई साहब ये आजू बाजू का मतलब माहौल दिख रहा है क्या जबरदस्त। कल हम लोग कापू बीच और आने के टाइमिंग के अंदर जो सीनरी देखी ना भाई साहब, यहाँ का सिस्टम ऐसा कि लेक साइड है बाजू में और इस साइड में समंदर और बीच में से रास्ता है। तो मैंने बोला नितेश भाई मेरे को नहीं आऊँगा, मेरे को बाइक राइड करनी ही पड़ेगी भाई साहब, अगर बाइक राइड नहीं करूँगा तो मज़ा नहीं आएगा। साथ में हेलमेट वगैरह भी लेके आया था बट कंटिन्यूसली घूमने का ही काम चल रहा था। तो भाई आज के प्रोग्राम कुछ ऐसे बने कि मैं और शकील मस्त उठाएंगे बाइक और निकलेंगे भाई साहब सीधा उडुपी साइड के अंदर। अभी देखते हैं, प्लान वगैरह ऐसा कुछ फिक्स बना ही नहीं है बट जो मिलेगा वो शूट करके आपको लेके आएंगे और बताएंगे। एक छोटा सा प्लान बनाया है, सेंट लॉरेंस चर्च है, हैंगिंग ब्रिज है, केमा खानो हैंगिंग ब्रिज है, उसके बाद में डेल्टा पॉइंट है और मलपे भी रह गया, मलपे सीवॉक और मलपे बीच। देखते हैं क्या सीन बनेंगे। और ये जो जहाँ पे घूम रहा हूँ ना, तो ये टेरिस हम लोग के गेस्ट हाउस की और ये सामने की तरफ हम लोग का ये रूम है। आज ये बाइक हम लोग राइड करने वाले हैं पल्सर 220। ये रूम और सामने की तरफ डायरेक्ट भाई कुछ ऐसे नज़ारे, नीचे ज़बरदस्त डीजे चल रहा है, बंदे आ रहे हैं डांस कर रहे हैं निकल रहे, कौन आ रहा है कौन जा रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है बिल्कुल। पहले फटाफट फ्रेश तो हो गया, हमें शकील फ्रेश होने के लिए होगा और निकलेंगे। वेला अभी टाइम हो रहा है कुछ 8:30, भूख लगी है, खा लेंगे जाके कुछ ना कुछ। चलो भाई, चलो भाई चले दो भाई। अभी यहाँ से सबसे पहले हम लोग को जाना है नाश्ता करने के लिए, वृंदावन ही चलते हैं नाश्ते के लिए। भाई 4 दिन से यहाँ पे आए ना तो सारे रास्ते वगैरह सब कुछ पता हो गए, लेकिन किधर जाना है कैसे जाना है। यहाँ पे क्लोज के अंदर मलपे विलेज है, हम लोग मलपे विलेज के पास ही रह रहे थे। यहाँ से ऑलमोस्ट 6 किलोमीटर के ऊपर है मलपे बीच और मलपे सीवाक, बट इतना क्लोज होने के बाद भी हम लोग वहाँ पे गए नहीं। इस अभी हम लोग मलपे में पहुंच गए, मलपे विलेज, और अभी यहाँ से जाना है वृंदावन रेस्टोरेंट। दही वड़ा, इडली, इडली दाल, दही वड़ा लेंगे ना, पन दाल का पानी ना है, गरम पानी, गरम पानी। अरे यहाँ का मतलब ट्रेडिशन है कि भाई गरम का गरम, पहले गर्मा गरम पानी मिलता ना, गरम नहीं है कोमट पानी है, हल्का हल्का गरम है, वार्म वाटर। दाल दो, इडली और सांबर चटनी आए तो बिस्मिल्लाह करते हैं। आखिरी में तो चाय बनती है पर भाई साहब यहाँ पर है ना ब्रेकफास्ट और नाश्ता बहुत ज़्यादा हैवी है, बहुत ही ज़्यादा। हाँ ये है केम्मानो ब्रिज, डायरेक्शन स्टार्ट ए लो जी, अभी बताइए हमको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ से ऑलमोस्ट केम्मा कानो हैंगिंग ब्रिज 8 किलोमीटर के ऊपर है, एक 10-15 मिनट का रास्ता है, फटाफट पहुँचते हैं। हाँ, बड़े ही दिनों बाद में भाई साहब मोटो ब्लॉग करने का मज़ा ही कुछ और है। हाईवे 66 के ऊपर हम लोग लग चुके हैं अभी और यहाँ से 3 किलोमीटर है, ऑलमोस्ट 9:30 बज रहे है। ब्रिज के ऊपर से होते हुए जा रहे हैं और सामने की तरफ से देखो कैसे ज़बरदस्त दिख रहे हैं नज़ारे भाई साहब, पूरे नारियल के झाड़ लगाए, पूरे नारियल के झाड़। चले तो अभी हम हैंगिंग ब्रिज के पास में पहुंचने ही वाले हैं और जो ये रास्ता दिखाई दे रहा है आपको, क्या ही ज़बरदस्त रास्ते, आजू बाजू खतरनाक फुल्ली डेंस फॉरेस्ट और थोड़ी थोड़ी सी हल्की हल्की वाली फीलिंग ऐसी आ रही कि हम लोग गलत रास्ते पे तो नहीं है। पता चला कि गलत लेके मैं गलत रास्ते पे निकला भाई, भाई साहब। चले भाई साहब पहुँच तो गए हैंगिंग ब्रिज के पास में, पर सुना था कि इस ब्रिज के ऊपर बाइक जाती है, आ ही गए हैं तो ऊपर भी जाकर देखते हैं। ये पहुँच गए हम के मन्नो हैंगिंग ब्रिज किधर, हैंगिंग ब्रिज के मन्नो हैंगिंग ब्रिज भाई साहब जबरदस्त है, मतलब क्या ही खतरनाक बनाया है।
गर्दी बिल्कुल भी नहीं है, संडे है फिर भी। तो अपने तरफ के जो टूरिस्ट स्पॉट रहते हो वहाँ पे तो खतरनाक गर्दी रही थी भाई साहब। यहाँ पे आने के टाइम के अंदर हमको ऐसी फीलिंग आ रही थी कि हम लोग गलत रास्ते पे तो नहीं है, पता चला कि गलत रास्ते पे तो नहीं आ गए, बट रास्ता एकदम ज़बरदस्त है भाई साहब और नज़ारे बहुत खूबसूरत है। ये सामने की तरफ देख रहे हो, ये ज़बरदस्त, एक्चुअली ये केम्मानू रिवर है और रिवर के ऊपर बनाया है ब्रिज जो कि है हैंगिंग ब्रिज। तो अभी हैंगिंग ब्रिज के हम लोग मजे ले रहे, आपको भी दे रहे और थोड़े से फोटोशूट भी कर ले रहे। ये सामने की तरफ अभी हम लोग पहुँच गए, यहाँ पर यहाँ से लेके तो वहाँ पर पीछे साइड के अंदर हम लोग ने उधर उत्थे हम लोग ने बाइक पार्किंग की और वहाँ से इत्थे आ गए अभी हम लोग। चले तो चल के उधर तक जाएंगे, फिर बाद में रिटर्न आएंगे, फिर यहाँ से चले जाएंगे, पता चलेंगे। और यहाँ से जाएंगे हम सेंट लॉरेंस चर्च करते, देख लेते फोटोशूट कर लेते हो और निकल लेते। चलिए भाई, बहुत ज़बरदस्त गर्मी हो रही है यहाँ पर, तो मारो मोबाइल। चले तो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है हमारा सेंट लॉरेंस चर्च करकला। मैप इट्स ऑलमोस्ट 46 किलोमीटर फ्रॉम अस। चले तो स्टार्ट लोकेशन धर लियो, इधर से निकलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पड़े हाँ भाई ज़बरदस्त, अभी अच्छा लग रहा हवा लगने के बाद में, मैं तो क्या ही ज़बरदस्त गर्म हो रहा था। अरे यार रास्ते तो बहुत ही खूबसूरत है जी, मस्त हवा लग रही, एकदम मस्त। ओ ये हम पहुँच गए सेंट लॉरेंस चर्च। पब्लिक की गर्दी है भाई, नहीं है गर्दी इतनी खास, पर भाई साहब कैसे लग रहा शक्ली? बढ़िया है ना क्वालिटी यार, मतलब सच में देखने के बाद में यार एक नंबर लग रहा। टर्न लेफ्ट है ना, हम यहाँ पे पार्किंग लगा लेंगे भाई साहब, क्या ज़बरदस्त है यहाँ। हाँ कुछ तो भी फंक्शन चल रहा लगता है अंदर की तरफ। ये एंट्री गेट है, हम लोग ने बाहर ही लगा दी बाइक। ये एक राइट साइड के अंदर एक पोल है जिसके ऊपर पता नहीं किसी की मूर्ति बनाई है भाई साहब, ज़बरदस्त है यार। यहाँ के सीन बहुत क्वालिटी है, मौसम बहुत ज़बरदस्त है भाई, फ़ोटोशूट करने के अंदर क्या ही मज़ा आएगा। अंदर फंक्शन चल रहा है 101%, हम फ्रंट में जाके फ़ोटोज़ निकालेंगे। पसीना निकल रहा है, कुछ ज़्यादा ही निकल रहा है, ऊपर से मैंने ब्लैक पहन लिया और ब्लैक के अंदर और भी ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है। अंदर फंक्शन चल रहा है इसलिए हम लोग अंदर नहीं गए, हम लोग यहाँ से लीव कर रहे। और अभी आगे की लोकेशन कुछ ऐसे है कि अब एक डेल्टा बीच जाना है और एक मलपे से ही वॉक जाना है, दोनों के लिए इवनिंग में आना पड़ेगा। और अभी टाइम हो रहा है कुछ 11:30-12, कड़क धूप गिर रही है, देखते किधर तो भी जाके रेस्ट करेंगे, उसके बाद में फिर शुरू करेंगे एक्सप्लोरिंग। अभी यहाँ से चलते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, अभी जो आप देख रहे हो ना लेफ्ट साइड के अंदर वो है सेंट मैरी आइलैंड, और वहाँ पे जाना अभी अलाउड नहीं है बिकॉज अक्टूबर के अंदर ही चालू होगा। और अभी हम लोग जो थे वो मलपे बीच साइड में थे, जाकर सिर्फ चेक करना था कि भाई साहब चालू है कि नहीं है। अभी जो जा रहे हैं ना हम लोग, ये डायरेक्टली अंधाधुंध जा रहे क्योंकि आगे 1 या 2 किलोमीटर के ऊपर हम लोग का लेफ्ट साइड के अंदर, राइट साइड के अंदर बीच साइड गेस्ट हाउस है। अच्छा होगा ये रोड आगे तक जाके कंटिन्यू हो, नहीं तो फिर वापस से रिटर्न आना पड़ेगा पीछे। भाई यार मज़ा ही आ रहा है यहाँ पे तो, बहुत ही ज़्यादा मज़ा। शकील डेड एंड, पड़े डेड एंड, किधर भी लेके जाने जिधर रास्ता मिल रहा उधर, अरे आगे जाके डेड एंड। क्या आगे रास्ता दिख रहा, दिख रहा इधर उधर? हाँ तो जो पहले बोलना था ना, खाला पीला। टूरिस्ट की गर्दी है संडे के दिन की, धूप है, धूप के अंदर क्या ही मजे यार। अभी टाइम हो रहा एक, क्या खा रहा, केरी? नहीं ना ही केरी ना मेरी, हमको कुछ नहीं खा रही। छोले भाई छोले छोले, धूप के अंदर यार बीच पे जाने का क्या ही मजे, कुछ मजे नहीं है। तो भाई हम अभी, हमका प्लान कुछ ऐसे है कि हम लोग को आना है मलपे बीच
और डेल्टा पॉइंट, डेल्टा बीच, दो बीच हम लोग के पास में। मलपे सी वॉक करना है और उसके बाद में डेल्टा बीच करना है। बट अभी देखना ये है क्या भाई, शकील भाई क्या बोलते, क्या हो शकील भाई? नहीं कुछ खास नहीं, पर कुछ तो भी बोलो कि आप लोगों को क्या करने का भी नेम का। आप लोगों को सी वॉक करना है शाम को जाके, और अभी डेल्टा पॉइंट है, डेल्टा बीच बाकी है, तो अभी डेल्टा बीच पे चलने का कि रूम पे चलने का? चले तो गाइस, अभी टाइमर कुछ 1:30 और बिरयानी की ऑर्डर दे दी है। बिरयानी आएंगी साथ में लेकर जाएंगे रूम के ऊपर और आराम से भाई साहब मस्त बैठकर खा लेंगे, क्योंकि अभी बहुत तगड़ी धूप गिर रही है बाहर की तरफ। और हम लोग का प्लान कुछ ऐसे बना कि मलपे सी वॉक और डेल्टा पॉइंट इवनिंग में आके आराम से एक्सप्लोर करेंगे। तो अभी सीधा बिरयानी उठाएंगे, घर जाएंगे, फ्रेश होंगे और सीधा सो जाएंगे। शाम को 4 उठेंगे और फिर एक्सप्लोर करने के लिए फिर से निकलेंगे बाइक राइड के ऊपर। क्या बोलते पपुआ, डन? चले तो गाइस, हम चले बहारों में, गुनगुनाती हवाओं में, थड़कने भी तेज है, अब क्या करें। वेल गाइस, अभी टाइम और कुछ 5:30 दोपहर के टाइमिंग के अंदर बहुत खतरनाक गर्मी थी और धूप भी बहुत ज़्यादा थी, तो हम लोग ने प्लान किया था कि दोपहर का मस्त खाएंगे, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और निकलेंगे। वेल गाइस, अभी के प्लान कुछ ऐसे कि हमें चलना है भाई, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना, डेल्टा बीच और उसके बाद में मलपे सी वॉक। निकलते हैं, चलते हैं। बताइए बताइए मेरे पास, बताइए डेल्टा बीच, यस 10 का रास्ता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलने का, चले। सनसेट ऑलमोस्ट होने ही वाला है, हम लोग को सनसेट चाहिए था मलपे बीच के ऊपर, पर अभी देखते हैं, समझते हैं और चलते हैं। ये भाई साहब, अभी शुरुआत हो रही है सीधा सीधा डेल्टा बीच की। क्या ही नज़ारे भाई, ये नज़ारे देख के डायरेक्टली मुझे शाहरुख खान की मूवी की याद आती डायरेक्टली भाई। क्या ज़बरदस्त नज़ारे देखे, क्या इसे कहते हैं डेल्टा बीच। राइट साइड के अंदर लेक है और लेफ्ट साइड के अंदर बीच है। क्या ज़बरदस्त नज़ारे, खूबसूरती दोनों साइड से भाई, नारियल के झाड़ है। ये साइड देख रहे हो, यही है यही है यही है, हम वापस रिटर्न, आगे से रिटर्न होकर आएंगे वापस से। एथे रुके जाएंगे, कोई है पीछे? बंद कर दो, बंद कर देना वीडियो, आएगी अकेले लगे खेरी। तो भाई ये है कुछ खूबसूरती के पत्थर डेल्टा बीच दे, और ये नज़ारे कुछ ऐसे डेल्टा बीच के। क्या बोलते शकील, बहुत ज़बरदस्त नज़र है, पब्लिक बहुत है संडे की, एक ज़बरदस्त मंजर है यार, डेल्टा बीच सही है और बहुत खूबसूरत है। नज़ारे देख रहे हो, क्या ही ज़बरदस्त नज़ारे है, यहाँ पे पब्लिक बैठी है मस्त इंजॉय कर रही है, बीच के मज़े ले रही है, कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत है भाई। सूरज बादलों के अंदर है, मतलब वहाँ से हद तक के आने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो अभी टाइम कितना हो रहा है भाई, 6:05 बाकी है, तो हम लोग तब तक के सी वॉक पे चले थे। गाइस ये है मलपे बीच का एंट्री पॉइंट, और यहाँ पर 4-व्हीलर की लाइन लगी है, इट मीन्स अंदर जाने के लिए पेमेंट करना पड़ेगा, 2-व्हीलर के लिए कुछ नहीं। मलपे बीच का मार्केट प्लेस, यहाँ पे तो बहुत ज़ोरों शोरों में काम चल रहा है, फुल्ली मेला चल रही, फुल मेला भाई, गर्दी गर्दी बहुत है यार यहाँ पे तो। सुबह इतनी गर्दी नहीं थी यहाँ शकील, सुबह मॉर्निंग में इतनी गर्दी नहीं थी, और यहाँ पर गर्दी बहुत ज़बरदस्त है, हरियाली बहुत है आज। इसका देख चश्मा, चश्मा डायरेक्ट एक दिल्ली एक मुंबई जा रहा था, अरे भाई बीच के ऊपर कितनी गर्दी है आज। चलो जी अभी हम चलेंगे मलपे सी वॉक के तरफ, सामने की तरफ सी वॉक है, अंदर की तरफ बाइक पार्किंग के लिए जगह है। 10 रुपीज़ ओनली 10 रुपीज़ ब्रो 10 रुपीज़ 10 रुपीज़ ब्रो ओनली 10 रुपीज़ 10 10 ओनली 10। थैंक यू। ये क्या है भाई सामने की तरफ, आतुरता से हम नज़दीक जाकर देखेंगे उन्हें। अरे भाई साहब,
संजीवनी सेवा संघ कुछ तो भी संत कट्टे फ्रेंड्स डालना कुछ छुट्टी मेरे पास में नहीं है सामाजिक एक मिनट बैग लगा दो चार्जर नंदवरिकागे वेश संजीवनी वाहनದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಬಂಧನವಿಲ್ಲದ ಇವರಿಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ये सामने की तरफ आप देख रहे हो ना ये लोग जो पुश कर रहे हैं मतलब ऐसा फोटो शूट वगैरह सब कुछ चल रहा है हम लोग ने रियल में पुश किया है भाई रियल में पुश किया हम लोग ने ये तो भी मतलब नहीं कैसा आर्टिफिशियल वगैरह जैसा बनाया है बोट वगैरह है चार पांच उसके अंदर कॉस्ट्यूम वाले मतलब आर्टिफिशियल लोग हैं जो क्लोज में जाने करने पता चलेगा ये हम लोग ने रियल में किया है भाई प्राइवेट आइलैंड के ऊपर जबरदस्त है एक आर्टिफिशियल बोट है ये भाई साहब ये तो बहुत जबरदस्त चीज है यहाँ पे ये देख रहे हो ऊपर कर क्या चीज है पर ये कुछ समझ में नहीं आ रहा हाँ अभी क्लियर हो रहा है भाई कुछ तो भी कॉस्ट्यूम अरे ये जो इनकी तरफ का जो फेस्टिवल होता है ना वो फेस्टिवल वाला सिस्टम नहीं है बहुत खतरनाक फेस्टिवल था वो चले तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं मलपे सी वॉक की तरफ हम लोग का जो फ्रेंड है नितेश वो बोल रहा था कि भाई साहब सी वॉक पे इवनिंग में जाना बिकॉज जितने भी बोट वगैरह जो होती है ना से में जाने वाली समुद्र में जाने वाली वो सारी रिटर्न में आती है और सी वॉक का सिस्टम क्या पता है क्या दोनों साइड से समंदर है और बीच में के अंदर वॉकिंग के लिए बनाया है और लेफ्ट साइड के अंदर क्या होता है जितनी भी बड़ी बड़ी बोटी है वो वापस में रिटर्न में आती है देखेंगे हम लोग वो भी और यहाँ पे फुल ज़बरदस्त स्टॉल्स वगैरह लगा के रखे हैं भाई साहब देखिए कैसे बोटें आ रही है अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले मलपे बीच के सेवक पे चले तो गाइस आज हमें सनसेट देखने के लिए तो नहीं मिला बट भाई साहब उससे ज़बरदस्त चीज़ें देखने मिली मतलब ये जो पीछे साइड में देख रहे हो ना ये सामने की तरफ मतलब ये जितने भी बोटें हैं ना अंदर समंदर के अंदर गई थी और अभी समंदर से वापस रिटर्न आ रही है और ये जो वे देख रहे हो ना आप इस वे से हम लोग गए थे एक प्राइवेट आइलैंड के ऊपर जाके वहाँ पर जाके ख़त्म हुआ वहाँ पर एंड में और अभी जितने भी बोटिंग करने के लिए गए थे ना जितने भी लोग जो मच्छी वगैरह जमा करने के लिए तो सारे भी रिटर्न में आ रहे और भाई साहब क्या ही ज़बरदस्त दिख रहा था दो तीन टाइम लैप्स दिए हैं अभी देखते हैं घर पे जाने के बाद पता चलेगा कैसे आए कैसे नहीं एंड पॉइंट पे आ गए जी डायरेक्टली समंदर पूरा भी यहाँ से बैठे बैठे और जितने भी बोट वगैरह दिखाई दे रही नहीं सारी रिटर्न जा रही है अंदर की तरफ और ये जो सामने की तरफ को जो टापू दिखाई दे रहा आपको जहाँ पे लाइट लग रही है स्लोली स्लोली ये वाला टापू इस पर हम लोग गए थे फर्स्ट डे ही जो प्राइवेट है नाम वगैरह कुछ पता नहीं इसके बारे में कुछ नाम रखा भी नहीं है और करते आज की ब्लॉग की समाप्ति यहीं पर मलपे बीच से वॉक के ऊपर जो कि कल सुबह मॉर्निंग है दूसरा ब्लॉग शुरू करेंगे फिर और कल का आई थिंक लास्ट डे रहेगा ना अपना उडुपी के अंदर कल लास्ट डे रहेगा हम लोग का उडुपी के अंदर उसके बाद में प्लान बने दो तीन वो भी आपको आगे बताएंगे तो करते हैं आज की ब्लॉग की समाप्ति यही पर अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना चैनल के ऊपर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना तब तक के लिए टाटा बाय बाय खुदा हाफिस मिलते हैं आपको वापस एक अच्छे से ब्लॉग के अंदर तब तक कि अपना ख्याल रखना मैं भी अपना ख्याल रखूंगा ओवर एंड आउट